आज की डेट में अगर मेरे भाई सबसे अगर इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है तो वो है सोशल मीडिया, और अपने सोशल मीडिया को सिक्योर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इंस्टाग्राम को कैसे सिक्योर कर सकते हो, हाई सिक्योरिटी दे सकते हो। 5 मैं आपको वेज बताऊंगा जो आपको अप्लाई रखने हैं, हमेशा उनको फॉलो करते रहना है, तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कभी हैक नहीं होगा और आपकी सिक्योरिटी हमेशा बनी रहेगी। तो वीडियो को पूरी शुरू से लेकर एंड तक देखने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को मेरे भाई जरूर लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ 5 वो मेथड, 5 वो वेज जिनकी वजह से आपका इंस्टाग्राम अकाउंट सिक्योर हो जाएगा। तो वीडियो को पूरी एंड तक मेरे भाई जरूर देखना। अब बात करते हैं मेरे भाई पहले पॉइंट पर, पहले तरीके से जो सबसे इजी है। मतलब इजी क्या है, वो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड किसी को भी नहीं देना चाहिए मेरे भाई। आपके अगर कोई जान पहचान वाला भी है, रिश्तेदार भी है, परिवार वाला भी है, तो भी नहीं देना चाहिए मेरे भाई। कौन कब बदल जाए, कौन कब आपसे बदला ले ले। अगर मैं आपका फ्रेंड हूँ, मैंने आपसे पासवर्ड मांगे हैं कोई काम के लिए, मैं आपका अच्छा दोस्त हूँ, लेकिन अब आपका कोई दुश्मन है, अगर उसने मुझे बोला है आपकी आईडी लेने के लिए, तो आप तो मुझ पर विश्वास कर दो, आप मेरे को दे दोगे, लेकिन वो पासवर्ड अगर मैं उसको दे दूँ जो आपका दुश्मन है, आजकल ऐसी दुश्मनी निकलती है मेरे भाई। तो भूल कर भी अपनी इंस्टाग्राम आईडी का पासवर्ड मत देना। उसके बाद क्या क्या वो लोग आपकी आईडी के साथ कर सकते हैं, केस, जेल जाना, बहुत कुछ इशू हो सकता है। आपको नॉर्मल लगता होगा कि किसी को भी पासवर्ड दे दूंगा, कोई डर नहीं है, मेरा फ्रेंड है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। अगर आपके फ्रेंड को अगर आपकी आईडी चाहिए तो आप अपने सामने उसको दीजिए, जो भी उसको करना है आपके सामने करवाइए, लेकिन पासवर्ड भूल कर भी किसी को मत दीजिए। ये था मेरे भाई पहला पॉइंट, हमेशा आपको ध्यान रखना है आपकी इंस्टाग्राम सिक्योरिटी के लिए। दूसरा जो पॉइंट है वो है मेरे भाई, इंस्टाग्राम खुद एक सिक्योरिटी का ऑप्शन देता है, उसका नाम है 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन। वो आपको हमेशा ऑन करके रखना है, कुछ नहीं है, आपको इंस्टाग्राम ऑन करना है, अपनी प्रोफाइल पे जाना है, 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है, और वहाँ जाके आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाना है, वहाँ आपको 2-फैक्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। 2-फैक्टर का ये फ़ायदा होता है मेरे भाई कि जैसे मैं अगर लॉगिन करूँगा वहाँ पे, तो आपके अकाउंट पे एक OTP आएगी, OTP जब मैं डालूँगा तभी अकाउंट लॉगिन होगा, OTP के बिना लॉगिन नहीं होगा, तो इसका ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। तो आपको हमेशा 2-फैक्टर मेरे भाई ऑन करके रखना है, अभी ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो कंप्लीट होने के बाद ऑन कर लेना। तो ये था मेरे भाई दूसरा मेथड, जो दूसरे तरीके से आपकी आईडी सिक्योर रहेगी। अब जो मेरे भाई तीसरा तरीका है वो आपकी ईमेल आईडी भी आपकी सिक्योर रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपने अपने अकाउंट में या तो मोबाइल नंबर दे रखा है या ईमेल आईडी तो नॉर्मली सब देते ही हैं, देनी भी चाहिए आपकी। अगर नहीं है तो आप भी अपनी ईमेल आईडी जाके सेटिंग में जाके प्रोफाइल में जाके अपनी ईमेल आईडी ऐड कर दीजिए। अब क्या होता है, ईमेल आईडी भी आपकी सिक्योर रहना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर ईमेल आईडी का किसी को एक्सेस मिल गया तो वो आपको आराम से वहाँ पे OTP लेके आपकी आईडी को लॉगिन कर सकता है। तो आपको टाइम से उसको सिक्योर कैसे कर सकते हो, जीमेल में भी 2-फैक्टर का ऑप्शन आता है, जीमेल का भी 2-फैक्टर ऑन करके रखना है, और टाइम टू टाइम आपको जीमेल के पासवर्ड को चेंज करते रहना है, हर 7 दिन 10 दिन में आपको जीमेल के पासवर्ड को चेंज करते रहना है। जिससे क्या होगा, अगर आपकी जीमेल आईडी भी किसी के पास है तो वो भी आपका अकाउंट लॉगिन नहीं कर सकता, क्योंकि आपने जीमेल आईडी के पासवर्ड चेंज कर लिए, तो वहाँ पे भी उसको भी लॉगिन नहीं कर पाएगा। जब जीमेल ही लॉगिन नहीं कर पाएगा तो उसको OTP कहाँ से मिलेगी, और आपका अकाउंट मेरे भाई सिक्योर रहेगा। चौथा जो पॉइंट है वो है मेरे भाई कंप्यूटर और लैपटॉप्स वगैरह का। आप कंप्यूटर लैपटॉप में या किसी के दूसरे के फ़ोन में क्रोम में अगर अपनी इंस्टाग्राम आईडी को लॉगिन करते हो, तो वहाँ लॉगआउट करते समय या लॉगिन करते समय एक ऑप्शन आता है गूगल की तरफ से कि आपको पासवर्ड यहाँ पे रिमेंबर रखना है या नॉट नाउ। तो वहाँ पे भूल कर भी मेरे भाई कभी भी रिमेंबर मत कर देना, अगर रिमेंबर कर दोगे तो उस फ़ोन में, उस लैपटॉप में, उस जो भी आप जहाँ पे भी क्रोम ब्राउज़र में लॉगिन करोगे, वो वहाँ पे आपका पासवर्ड सेव हो जाएगा, आप वहाँ से चले जाओगे, जो भी रहेगा, अगर आप कैफ़े में कर रहे हो या दोस्त के यहाँ कहीं पे भी कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका अकाउंट लॉगिन रह जाएगा। तो भूल कर भी कभी भी सेव पासवर्ड या रिमेंबर मत करना। मैं तो बोलूँगा अपने फ़ोन में भी अगर आप लॉगिन करते हो क्रोम वगैरह से, कभी कभी अगर आपका ऐप काम नहीं कर रहा है या नेट वगैरह कोई भी इशू है, एप्लीकेशन नहीं है आपके पास इंस्टाग्राम की, तो आप गूगल क्रोम में जाके करते हो, तो वहाँ पे भी आपको कभी सेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप किसी को भी फ़ोन देते हो क्रोम ब्राउज़र तो खुलता ही है, वहाँ अगर सेव पासवर्ड होगा तो वहाँ से भी आपका सिक्योरिटी का दिक्कत हो सकता है। तो भूल कर भी कभी भी रिमेंबर ना करें पासवर्ड। अगर मेरे भाई भूल जाते हो तो कोई डायरी में लिख के रख लो, या कहीं पे भी दिमाग में कोशिश करो, इतना सा पासवर्ड तो याद आप रख ही सकते हो। तो कभी भी भूल कर भी ये रिमेंबर वाला सीन मत करना। 5वां जो पॉइंट है वो है मेरे भाई, आपको टाइम टू टाइम अपने इंस्टाग्राम के पासवर्ड को चेंज करते जाना है, और साथ ही साथ पासवर्ड को चेंज करोगे तो पासवर्ड में हमेशा ये कुछ सिम्बॉल मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ये सारे सिम्बॉल आपको अपने पासवर्ड में यूज़ करने, आगे पीछे और बीच में, या तो 2 आगे कर लो, 2 पीछे कर लो, 1 बीच में कर लो, 1 मिनट
या तो दो आगे कर लो, दो पीछे कर लो, बीच में कर लो, या कुछ भी कैसे भी करके आपको ये सारे सिंबल अपने पासवर्ड में यूज़ करना है, क्योंकि जो भी अटैकर्स होते हैं, जो हैकर होते हैं, जो भी करते हैं, वो ये सब चीज़ अगर आपके पासवर्ड में रहेगा तो एक हाई सिक्योरिटी रहता है, उसको हैक करना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा यूज़ करनी है 5। इसके साथ साथ प्लस आपको मैं एक पॉइंट बोनस के लिए एक और बता देता हूँ कि कभी भी थर्ड पार्टी में अपने इंस्टाग्राम ऐप सॉरी अपने इंस्टाग्राम आईडी को या अपने इंस्टाग्राम पेज को कभी भी लॉगिन मत करना, चाहे वो कोई आपका दोस्त बोले, परिवार वाला बोले, कुछ भी बोले, या कोई भी आपको लिंक वगैरह शेयर करेगी, इस पर क्लिक करके अपना इंस्टाग्राम लॉगिन करके मुझे वोट कर दो, वो कर दो, ये कर दो। कभी भी गलती से भी थर्ड पार्टी वेबसाइट, थर्ड पार्टी ऐप में अपना इंस्टाग्राम लॉगिन मत करना मेरे भाई। इंस्टाग्राम कहीं भी ये नहीं बोलता है कि आप लॉगिन कर लो अपनी इंस्टाग्राम आईडी, और आपने कहीं पे इंस्टाग्राम आईडी अगर लॉगिन कर दी तो उसके बाद जैसे वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मेरी है, आपने अगर मेरी एप्लीकेशन में लॉगिन कर दी अपनी इंस्टाग्राम आईडी, तो आपकी आईडी का एक्सेस मुझे मिल जाएगा, उसके बाद आपकी आईडी के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आपको पता भी नहीं रहेगा। तो आपको ये 5 मैंने जो तरीके बताए वो हमेशा ध्यान रखने हैं। 6 ये कि कहीं भी अपनी इंस्टाग्राम आईडी को लॉगिन नहीं करना थर्ड पार्टी वेबसाइट, थर्ड पार्टी ऐप में। आई होप आपको ये वीडियो मेरे भाई पसंद आई होगी, ये आपके काम आई होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। We'll be right back.